प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में आयोजित सामूहिक गीता पाठ कार्यक्रम को अभूतपूर्व बताया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आकलन वर्ष 2024-25 का आयकर भरने के लिए फॉर्म 1 और फॉर्म 4 को अधिसूचित किया। छत्तीसगढ़ में भी क्रिसमस का उल्लास बिखरा, गिरजाघरों में आकर्षक सजावट। और नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में कांकेर को मिली उल्लेखनीय उपलब्धियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं शांतनु शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में गीता पाठ कार्यक्रम को अभूतपूर्व बताया है। श्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि गीता सार्थक और बुद्धिमत्तापूर्ण जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करती है। लोको कंठे गीता पाठ नामक ये कार्यक्रम आज सुबह 10 बजे से ब्रिगेड परेड ग्राउंड कोलकाता में प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री का ये संदेश आज के कार्यक्रम में पढ़कर सुनाया गया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सुकांत मजुमदार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के सहयोग और संदेश से आज के कार्यक्रम को सफल बनाने की प्रेरणा मिलती है। ये कार्यक्रम भजन के साथ प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में दोपहर 12:10 पर 1,00,000 लोगों ने समवेत स्वर में गीता पाठ किया। इस आयोजन में अखिल भारतीय संस्कृत परिषद, संस्कृत संसद, मोतीलाल भारत तीर्थ सेवा मिशन आश्रम, कई साधु संन्यासी और अन्य संगठन शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में पुरी के जगन्नाथ मंदिर के दैत्यपति और द्वारिका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती भी उपस्थित हुए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आकलन वर्ष 2024-25 का आयकर भरने के लिए फॉर्म 1 और फॉर्म 4 को अधिसूचित कर दिया है। अब इन फॉर्म का उपयोग वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न भरने किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि आयकर रिटर्न भरने के लिए प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत में अथवा अप्रैल के शुरू में फॉर्म को अधिसूचित किया जाता है, लेकिन इस वर्ष ये अधिसूचना दिसंबर में ही जारी कर दी गई है ताकि रिटर्न जल्दी भरे जा सकें। फॉर्म 1 और फॉर्म 4 ऐसे लोगों और इकाइयों के लिए होते हैं जिनकी अधिकतम वार्षिक आय 50,00,000 रुपए हो। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न भरते वक्त नागरिकों को ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा। ऑनलाइन ITR भरते हुए उन्हें ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करना होगा। इसके साथ ही उन्हें न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट करने का मौका भी मिलेगा। बजट 2023 में न्यू टैक्स रिजीम को डिफ़ॉल्ट कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन आयकर रिटर्न भरते वक्त ओल्ड टैक्स रिजीम को सेलेक्ट नहीं करता है तो ये टैक्स रिजीम के तहत स्वतः ही इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स की गणना कर लेता है। गौरतलब है कि न्यू टैक्स रिजीम में HRA और LTA टैक्स एग्जेम्पशन, सेक्शन 80C और 80D जैसी सामान्य छूट का लाभ नहीं मिलता है। वहीं नए टैक्स रिजीम में करदाताओं को वेतन में से 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन जरूर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान ड्रोन की सराहना की है। ये ड्रोन फसलों पर प्रभावी और कुशल तकनीक से उर्वरकों का छिड़काव करते हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संदेश को साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस ड्रोन की उपलब्धता से किसानों की आय बढ़ रही है और उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। डॉ. मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया पर अंग्रेजी समाचार पत्र में लिखे अपने लेख को साझा करते हुए कहा था कि कृषि ड्रोन तकनीक देश में कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण और इसमें बदलाव लाने के लिए वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण खोज है। डॉ. मांडविया ने किसानों द्वारा ड्रोन के इस्तेमाल को देश के कृषि क्षेत्र के लिए एक ड्रोन आंदोलन बताया है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जय
जय जोहार संगवारी हो, मैं हूं बबीता। छत्तीसगढ़ दर्शन देखैया हमर जम्मो दर्शक मन के स्वागत हवे। प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ी में छत्तीसगढ़ दर्शन देखते रहिए हर रविवार शाम 4:15 बजे दूरदर्शन रायपुर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्रिसमस की तैयारियां पूरी हो गई हैं। आज रात 10 बजे से गिरजाघरों में विशेष आराधना का कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रभु यीशु के जन्म की खुशियां मनाई जाएंगी। छत्तीसगढ़ में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर है। गिरजाघरों को शानदार ढंग से सजाया गया है और लोग विशेष प्रार्थना सभा की तैयारियों में जुटे हैं। सरगुजा जिले में मसीही समुदाय की ओर से आज 24 दिसंबर की रात प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाने खास तैयारियां की गई हैं। वहीं 25 दिसंबर सोमवार को गिरजाघरों और चर्चों में विविध धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा। संभाग मुख्यालय अंबिकापुर के नवापारा स्थित महागिरजाघर में सरगुजा धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष बिशप के सानिध्य में आज रात 10 बजे से धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। यहाँ तैयारियाँ बहुत जोर शोर से चल रही हैं और महागिरजाघर की सजावट श्रृंगार तकरीबन हो चुकी है और गिरजाघर के अंदर जो चरनी बनी हुई है और गिरजाघर के बाहर भी जो चरनी तैयार हुआ है करीबन बहुत ही आकर्षक और सुंदर लग रहा है और कई विश्वासियों का आना और देखना उनकी ताता उनकी पंक्ति लग चुकी है और लोग बड़ी उत्साह और उमंग से खीर जयंती की तैयारी कर रहे हैं। जैसे परिवार में तैयारियां होती हैं घर की, उसी तरह आप अपने दिल के मन मंदिर को सजाओ, अपने घर को सजाओ, आपस में प्रेम से बढ़ाओ, जो बैर है आपस में एक दूसरे को क्षमा करो। अंबिकापुर में मुख्य अनुष्ठाता बिशप के द्वारा समाज को संदेश दिया जाएगा, वहीं मसीही जनों के द्वारा विश्व में शांति प्रेम सौहार्द और भाईचारे की कामना के साथ परंपरागत ढंग से विविध अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। रात 12 बजते ही महागिरजाघर और चर्चों में प्रभु यीशु के जन्म के समय घंटे की ध्वनि के साथ आतिशबाजी कर जश्न मनाया जाएगा। ये एक माह पहले से ही इसका तैयारी चलता है। क्रिश्चियन लोग अक्सर ये इसी दिन 25 दिसंबर को प्रभु यीशु का जन्म हुआ था और इसको ये क्रिश्चियन लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और ये त्यौहार जो कि बड़ा दिन के नाम से भी जाना जाता है। आज हम लोग सारी दुनिया ने तो इनको नहीं पहचाना, वो एक मानव बन करके आए, एक गौशाले घर में आए। संसार ने अपना आलीशान मकानों में रहते हैं लेकिन उन्होंने उनको नहीं पहचाना और उनके लिए जगह तक नहीं दी और आज वो एक गौशाले घर में घुसे और वहीं पर उनकी मम्मी माँ का जो समय हुआ था प्रसव का समय, वहाँ उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। वो बालक एक चरनी में, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि गाय बैल को जो चारा खिलाते हैं उसको चरनी कहते हैं और सांकेतिक रूप में सारे गौशाले घर को इस तरह से सजाते हैं हम लोग। क्रिसमस का त्यौहार देखते हुए अंबिकापुर शहर में घास फूस की आकर्षक चरनी की मांग बढ़ी है। इसके अलावा बाजार में क्रिसमस ट्री, स्टार, सेंटा क्लॉस के परिधान सहित अन्य सामान खूब बिक रहे हैं। यहां खरीदारी के लिए मसीही जनों की भीड़ उमड़ पड़ी है। डीडी न्यूज के लिए अंबिकापुर से सुशील कुमार बखला की रिपोर्ट। नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम अंतर्गत कांकेर जिले की उपलब्धियों और सफलताओं पर देखते हैं एक खास रिपोर्ट। देश के जिन जिलों में आकांक्षी भारत योजना के तहत काम हो रहा है उसमें छत्तीसगढ़ का कांकेर जिला भी शामिल है। विकास की दौड़ में अपेक्षाकृत पीछे रह गए कांकेर जिले में अब सामाजिक आर्थिक योजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारा जा रहा है, जिसका सीधा फायदा जिले के आम लोगों को मिल रहा है। पहले रोजगार न होने के चलते यहाँ के लोग बड़ी संख्या में पलायन किया करते थे, लेकिन अब खेती किसानी को लाभ का व्यवसाय बनाया जा रहा है। आधुनिक तकनीक से खेती के लिए किए जा रहे प्रयासों से किसानों की आय तेजी से बढ़ रही है।
कृषि में हमारा पूरी कोशिश है कि जो हमारे किसान हैं वो उनको एक तो कन्वर्जेंस के तहत जो है जितनी भी शासकीय स्कीम है सबका फायदा उनको उपलब्ध कराया जाए, उसमें हम सफल भी हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो आधुनिक तरीके हैं कृषि के वो उनके लिए उनको ट्रेन किया जाए, वो उपलब्ध कराया जाए, तो वो भी हॉर्टिकल्चर में भी और एग्रीकल्चर में भी किया जा रहा है। इंश्योरेंस कवरेज जितना हो सकता है उतना सुनिश्चित किया जाए, वो भी किया जा रहा है। मैं लगभग 5 साल से ड्रिप इरिगेशन के द्वारा खेती कर रहा हूं, जिसमें लगभग 6 एकड़ खेती होता है और इस साल लगभग 1.5 एकड़ में टमाटर खेती हुई है और 1 एकड़ में ग्राफ्टेड बैगन। ग्राफ्टेड बैगन में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत हमको जो योजना आती है उसका भी लाभ मिला। सब्जी क्षेत्र विस्तार में जैसे बैगन है, टमाटर है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, प्याज है, इसमें शासन द्वारा लागत राशि 50,000 का 40% 20,000 रुपए DBT के माध्यम से किसानों को दिया जाता है। मनरेगा के तहत भी कांकेर में बड़ी संख्या में काम किया जा रहा है, जिसके चलते पलायन रुका है तो रोजगार के नए मौके भी बढ़ रहे हैं। जहां एक ओर मनरेगा के काम से परिसंपत्तियों का निर्माण हो रहा है तो काम के लिए पलायन की समस्या भी रुकी है। पिता जगतू यहाँ खेती मरम्मत का काम चल रहा है और यहाँ तीसरे सप्ताह का 3रा दिन है और यहाँ सरकार के द्वारा महात्मा गांधी नरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार दिया जा रहा है, एक कार्ड में मतलब एक घर में। रोजगार गारंटी के तहत भूमि समतलीकरण का कार्य चल रहा है, जिसमें 42 हितग्राही यहाँ पर आए हुए हैं, जिनको जॉब कार्ड के आधार पर 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। जिले में लोगों को रोजगार के नए मौके उपलब्ध कराने के लिए मुर्गी पालन जैसे स्वरोजगार की व्यवस्थाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। कांकेर में स्वास्थ्य और पोषण पर भी तेजी से काम किया जा रहा है, जिसके चलते महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में हो रहे सुधार का अंतर साफ देखा जा सकता है। कांकेर में बीते 5 साल में स्वास्थ्य के मोर्चे पर जहां एक और नई सुविधाओं को विस्तार किया गया है तो डॉक्टरों की उपलब्धता को बढ़ाकर लोगों को उनके पास के अस्पताल में ही उचित इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की तो वो लगभग 65% हुआ करती थी पहले और अब 82% है। इम्यूनाइजेशन की बात करें, बच्चों के टीकाकरण की बात करें, तो वो पहले लगभग 84-85% रहा करता था और अब वो बढ़ के 99% हो गया है। अगर महिलाओं के गर्भवती महिलाओं के रजिस्ट्रेशन की अपन बात करें तो वो लगभग 75% रहा करता था, जो अब बढ़ करके 97% हो गया है। विकास की दौड़ में पीछे छूट गए कांकेर के युवाओं को नए मौके दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने कई नई पहल की है, जिसकी वजह से जिले के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ा लाभ मिल रहा है और बड़ी संख्या में जिले के छात्रों ने प्रतियोगी परीक्षाओं को पास भी किया है। शिक्षा में कांकेर ने एक नया इतिहास रचा है। शिक्षा में हमारे जो JEE परीक्षा में 75 बच्चे सिलेक्ट हुए, नीट में 83 बच्चे सिलेक्ट हुए, 21 बच्चे हमारे IIT, IIIT इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस में, NIT ऐसी संस्थानों में पढ़ रहे हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत बीते 5 वर्षों में कांकेर ने विकास की एक नई ऊंचाई को छुआ है। अभी तक योजनाओं के माध्यम से जो आधार तैयार हुआ है उससे कांकेर के और तेजी से विकास की उम्मीद बंधी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DG न्यूज। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में आयोजित सामूहिक गीता पाठ कार्यक्रम को अभूतपूर्व बताया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आकलन वर्ष 2024-25 का आयकर भरने के लिए फॉर्म 1 और फॉर्म 4 को अधिसूचित किया। छत्तीसगढ़ में भी क्रिसमस का उल्लास बिखरा, गिरजाघरों में आकर्षक सजावट। और नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में कांकेर को मिली उल्लेखनीय उपलब्धियां। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।